हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे? चलो आज हम फिर कुछ और शब्द सीखेंगे, ठीक है? अभी तक आप लोगों ने सीखे तीन वर्ण वाले शब्द है ना, अब आज आप चार वर्ण वाले शब्द सीखोगे। अब आप थोड़े और बड़े हो गए हो ना, इसलिए थोड़े और बड़े बड़े शब्द सीखोगे, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे चार वर्ण वाले शब्द, ठीक है? तो सब बच्चे तैयार हो? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? देखो, पढ़ो और समझो। यानी पहले आप देखेंगे, आपने देखा उसमें क्या लिखा है, देखोगे तभी तो पढ़ पाओगे। तो देखकर पढ़ेंगे और फिर आप उसको समझेंगे कि उसमें हमने सॉरी किताब में क्या लिखा हुआ है। चलो सब हम लोग शुरू करते हैं। बा प्लस र प्लस ग प्लस द बरगद। बा प्लस रा प्लस दा प्लस ग प्लस दा बरगद। बरगद क्या है? एक पेड़ है और ये हमारा कुल वृक्ष है, ठीक है? इसकी सब लोग बहुत पूजा भी की जाती है, ओके? बरगद। दूसरा है आ प्लस जा प्लस गा प्लस रा अजगर। आ प्लस जा प्लस गा प्लस रा अजगर। ये क्या है? अजगर। जैसे सांप होता है, सांप की एक प्रजाति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अजगर, ठीक है? और सब बच्चों को, सबको बच्चों को क्या, सब बड़ों को भी इससे बहुत डर लगता है ना, क्योंकि ये काट लेता है तो फिर क्या होता है, पॉइजन फैल जाता है, विष फैल जाता है ना। नेक्स्ट, दूसरा नेक्स्ट इज थ प्लस र प्लस मा प्लस सा थर्मस। था प्लस रा प्लस मा प्लस सा थर्मस। थर्मस बेटा होता है किस यूज़ के लिए, जिसमें हम लोग कुछ भी, चाहे दूध चाहे पानी चाहे चाय जो भी रखेंगे वो गर्म रहेगा और हम उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी उसको हम लेकर जा सकते हैं, ओके? नाउ नेक्स्ट इज ता प्लस रा प्लस का प्लस शा तरकश। ता प्लस रा प्लस का प्लस श तरकश। तरकश बेटा जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, ये देखिए क्या रखा हुआ, जिसमें तीर रखे हुए हैं, ठीक है? जो धनुष बाण होता है तो उसमें तीर चलाए जाते हैं ना, बाण, तो वो जिसमें रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं तरकश। नाउ आ प्लस द प्लस रा प्लस का अदरक। आ प्लस द प्लस रा प्लस का अदरक। अदरक क्या बेटा? एक सब्जी है और बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। इसको हम सब्जी में डालकर भी बनाते हैं और चाय बनाते हैं तो भी डाल सकते हैं और दूध में भी डाल सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करती है। दूसरा इज का प्लस सा प्लस रा प्लस ता कसरत। का प्लस सा प्लस रा प्लस ता कसरत। कसरत क्या होता है बेटा? एक्सरसाइज, ठीक है? देखिए बच्चा कर रहा है ना एक्सरसाइज, हम सबको भी डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे क्या होता है हम लोग एकदम फिट रहते हैं, बॉडी हमारी एकदम फिट रहती है, ओके? नाउ नेक्स्ट इज ग प्लस रा प्लस दा प्लस ना गर्दन। ग प्लस रा प्लस दा प्लस ना गर्दन, ओके? गर्दन, सब बच्चे अपनी जरा गर्दन तो टच कीजिए, जल्दी से टच कीजिए, ये वेरी गुड, ओके? नेक्स्ट इज पत। पा प्लस ता प्लस झा प्लस ड़ा पतझड़। पा प्लस ता प्लस झा प्लस ड़ा पतझड़। पतझड़ बेटा क्या होता है? इस सीज़न में सभी पेड़ों से पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, ठीक है? पेड़ में सिर्फ क्या रहती हैं? सिर्फ ब्रांचेस रहती हैं, सिर्फ शाखाएं रहती हैं, पत्तियां उस पर से सब झड़ जाती हैं, ठीक है? उस सीज़न को हम कहते हैं पतझड़, ओके? नाउ नेक्स्ट इज श प्लस रा प्लस बा प्लस ता शरबत। श प्लस रा प्लस बा प्लस ता शरबत। शरबत बेटा गर्मी के मौसम में सबको बहुत अच्छा लगता है ना, शरबत सब लोग पीते हैं ना, कितने सारे फ्लेवर आते हैं, रुआफ़ज़ा है, खस है, ऑरेंज है, मैंगो है ना, तो चलो क्या है ये? शरबत, ओके? बा प्लस चा प्लस पा प्लस ना बचपन। बा प्लस चा प्लस पा प्लस ना बचपन। बचपन मीन्स जब आप लोग छोटे छोटे रहते हो, छोटे छोटे होना जैसे अभी आप, तो ये आप लोग का क्या है? बचपन है, ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट इज
सा प्लस रा प्लस का प्लस सा सर्कस। सा प्लस रा प्लस का प्लस सा सर्कस। सर्कस आप सबने देखा ना बेटा, सर्कस लगता है, उस पर खूब सारे एनिमल्स होते हैं, क्लोन्स होते हैं जो अपने अपने क्या दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, मीन्स जोकर होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, जो अपनी अपनी कलाकारी सबको ही दिखाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कस। नाउ फिर ये क्या है, ब प्लस रा प्लस ता प्लस ना बर्तन। बा प्लस रा प्लस ता प्लस ना बर्तन। बर्तन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खाना बनता है, खाना पकता है, वो सब क्या कहलाता है, बर्तन। ओके नाउ नेक्स्ट इज फिर आ चकना अचकन। आ चकना अचकन। अचकन मीन्स बेटा शेरवानी। ओके देखिए, हा ला धरा हलधर। हा ला धरा हलधर। हलधर मीन्स जिसके कंधे पे क्या रखा हुआ है, हल रखा हुआ है। इसे क्या किया जाता है बेटा, जमीन खोदी जाती है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिर उसमें किसान जो है खेती करते हैं, ठीक है, क्या हलधर। देखिए अपने साथ में लिया हुआ ना कुछ कुछ हाथ में अभी। अरे वाह, मख मल। मख मल देखो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, मख मल मख मल। ओके नाउ पा चा पा ना पचपन। पा चा प न पचपन मीन्स 55। च म चमचम। च म चमचम। चमचम क्या है, एक मिठाई होती है, ठीक है, चमचम। न ट म त म टमटम। ट म टमा टमटम। टमटम ये देखिए गाड़ी जो दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, टमटम। श ल ग म शलगम। श ल ग म शलगम। शलगम क्या होती है, एक वेजिटेबल, एक सब्जी, ठीक है, जो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये थोड़ी सी कैसी होती है, कड़वी कड़वी सी होती है, ठीक है, बट बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए खाना चाहिए। तो अब ये क्या, उपवना उपवन। उपवना उपवन। उपवन मीन्स आप कह सकते हो गार्डन, बगीचा, ठीक है ना। अब ये क्या है, दमकल दमकल। दमकल दमकल कल दमकल, ठीक है जी। ये क्या है, फायर ब्रिगेड, जिसमें जब आग लग जाने पर जिस गाड़ी को बुलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड, और हिंदी में कहते हैं दमकल। जब ये गाड़ी आती है बेटा तो इसी से क्या होता है, सब जगह की आग बुझाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खट मल। खट खट मल मल खट मल। ओके खट मल ये क्या है, एक कीड़ा है, ठीक है, खट मल। पन घट पन घट। पाना पन घाटा घट पन घट, ठीक है। फिर ये क्या है, कटहल कटहल। तो कट कट हल हल कटहल, ठीक है। कटहल भी क्या है, एक सब्जी है, जिसे क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, है ना, क्या कहते हैं, जैक फ्रूट। तो अब आप इसको कैसे पढ़ सकते हो बेटा, दो दो शब्दों को जोड़कर फिर आप एक बन, फिर उन दो को जोड़ोगे, जैसे बराबर गदा गद बरगद। आजा अज गरा गर अज गर। फिर थर थर मासा मस थर मस। तारा तर काशा कश तर कश। गारा गर दाना दन गर दन।
आदा अध राका रक अध रक। पाता पत झाड़ा झड़ पत झड़। कासा कस राता रत कस रत। शारा शर बाता बत शर बत। बाचा बच पाना पन बच पन। सारा सर कासा कस सर कस। बारा बर ताना तन बर तन। ना फिर ये क्या है देखो, आचा अच काना कन अच कन। हाला हल धारा धर हल धर। माखा मख माला मल मख मल। पाचा पच पाना पन पच पन। चामा चम चम चम। टामाटम टामाटम टम टम। शाला शल गामा गम शल गम। उपा उप वाना वन उप वन। दामा दम काला कल दम कल। खाटा खट माला मल खट मल। पाना पन घाटा घट पन घट। काटा कट हाला हल कट हल। ओके, तो आपको समझ आया इसे कैसे पढ़ना है? ठीक है, दो दो को जोड़ोगे फिर उन दो को एक साथ जोड़ दोगे तो आप क्या करोगे आसानी से उसको पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, तो सब बच्चों इसको पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे ठीक है, और अच्छे से पढ़ना सीखेंगे ताकि अच्छे से रीडिंग कर सकें। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।